हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल हिरेन क्रिएशन एंड वेलकम बैक टू अवर अनदर काहून ट्यूटोरियल सीरीज। तो लास्ट वीडियो में मैंने आप लोग को बता दिया था कि हमारा नेक्स्ट वीडियो कौन सा होने वाला है। तो नवरात्रि नजदीक आ रहे हैं, तो नवरात्रि में जो गरबा पैटर्न बजता है वो काहून पे कैसे प्ले करते हैं, यही आज हम लोग सीखने वाले हैं। तो विदाउट एनी वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज हम लोग काहून पे सीखने वाले हैं गरबा कैसे प्ले करते हैं। तो मैं आप लोगों को गरबा के बीट भी दिखाऊंगा, साथ में उसके वेरिएशन भी सिखाऊंगा, और गरबा प्ले करने से पहले जो उसका उठान होता है वो उठान भी कैसे प्ले करते हैं वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। साथ में बीच बीच में एक पैटर्न से दूसरे पैटर्न जाने के टाइम पे जो फिलर प्ले होता है वो भी कैसे प्ले करना है वो भी मैं सिखाऊंगा, और जो लास्ट में तिहाई प्ले होती है वो तिहाई भी कैसे प्ले करना है ये भी मैं सिखाऊंगा। तो आपको ये पूरा गरबा के पैकेज में मैं आप लोग को पूरा एक पिकअप स्टार्टिंग का जो उठान है वो चार वेरिएशन यानी कि चार बीट सिखाऊंगा, तीन फिलर सिखाऊंगा और एक लास्ट में तिहाई सिखाऊंगा। तो अगर आप लोग ने ये पूरा वीडियो देख लिया और अच्छे से सीख लिया तो आप ऑलमोस्ट 50% गरबा प्ले कर पाओगे, क्योंकि गरबा में मोस्टली यही ज्यादातर बीट जो है वो प्ले होती है और यही तरीके के फिलर्स भी ज्यादातर प्ले होते हैं। तो मैं आप लोग को एक बार पूरा जो है वो सब प्ले करके दिखाता हूँ उठान से लेके तिहाई तक सब, और बाद में मैं आप लोग को सिखाता हूँ स्लो में कैसे सब प्ले करना है। वीडियो में हम लोग यही बीट सीखने वाले हैं, यही पिकअप, यही टीआई और यही फिलर सब सीखने वाले हैं। तो जो भी चैनल पे नए है वो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे ही बहुत सारे ट्यूटोरियल वीडियो में लाते रहूंगा आप लोग के लिए। और ये वीडियो को लाइक भी कर देना, अगर आप लाइक कर देंगे तो मेरे को एक मोटिवेशन मिल जाएगा, तो मैं ऐसे वीडियो और भी आप लोग के लिए जल्दी से जल्दी लेके आऊंगा। और अगर आपको कोई भी डाउट है या फिर कोई भी क्वेरी है तो आप लोग कमेंट में डाउट पूछ सकते हो, मैं आप लोग के जो भी डाउट है वहां पे क्लियर कर दूंगा। और साथ ही में मैंने नीचे मेरे इंस्टाग्राम की लिंक भी दी है, वहां पे भी आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, वहां पे भी मैं आप लोग के जो डाउट है वो क्लियर कर दूंगा। तो ये वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और जो चैनल पे नए वो सब्सक्राइब भी कर देना, और साथ में जो बेल आइकॉन है वो भी प्रेस कर देना, तो ऐसे जो भी नए वीडियो की आपको लिंक है उसकी नोटिफिकेशन आप लोग को टाइम पे मिल जाएगी। तो अभी हम लोग जो हमारा ये पूरा जो मैंने आप लोग को दिखाया वो कैसे प्ले करना है वो मैं सिखाता हूँ। तो पहले तो मैंने एक जो है स्टार्टिंग में पिकअप बजाया था, यानी कि उठान भी कहते हैं हिंदी में उसे, तो जो पिकअप था वो कैसे बजाया था मैंने, मैंने ऑलरेडी आप लोगों को मेट्रोनोम के साथ कैसे प्रैक्टिस करनी है उसकी मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, साथ में वो 60 नोट और वो सबके भी ग्रुप्स के जो भी मैंने ट्यूटोरियल वीडियो डाले उसकी प्लेलिस्ट बनाई है, तो उसकी लिंक आपको यहाँ पे आई बटन में मिल जाएगी, तो वहां से जरूर देख लेना, तो आपके जो डाउट है वो ऑटोमेटिकली क्लियर भी हो जाएगा वहां पे। तो हम लोग इसको टाइमिंग के साथ प्ले करेंगे, टाइमिंग हमारा नॉर्मल चलने वाला है, यहाँ पे जो मेट्रोनोम के हम लोग की क्लिक रहेगी वो 1 2 3 4, इसमें कोई भी हम लोग को 16 नोट वैसे प्ले नहीं करना है, हम लोग को थोड़ा ये क्लासिकल तरीके से मैं आप लोग को सिखाऊंगा, जैसे कि मैंने आप लोग को लास्ट वीडियो सिखाया था आरती का, जो कि जय आद्या शक्ति आरती है उसमें कैसे प्ले करते हैं वो भी मैंने आप लोग को सिखाया था क्लासिकल बोल के साथ, तो ये भी हम लोग वैसे ही सीखने वाले हैं। तो वो भी अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको यहाँ पे आई बटन में मिल जाएगी, तो वो वीडियो भी जरूर देखना। तो वहां पे मैंने बेसिक भी सिखाया था कि धा धीन कैसे प्ले करते हैं, यहाँ पे भी मैं आप लोग को एक बार दिखा देता हूँ। तो जो हमारा ता होता है वो स्नेर का साउंड होता है, जो हमारा धा होता है वो स्नेर का साउंड का ता, और जो बेस होता है वो साथ में प्ले होता है धा। तो धीन भी वैसे होता है, धीन में हम लोग को बेस के साथ जो घोष नोट है वो प्ले करना है, तो हम लोग का धीन साउंड आएगा, और तीन के लिए हम लोग को घोष नोट प्ले करना है। और इसमें एक और एक चीज बीच में बजी है वो है तकड़ता तित्ता, वो कैसे प्ले करना है वो भी मैं आप लोग को
साथ में बताऊंगा। तो हम लोग को इसमें क्या करना है, स्टार्टिंग में हम लोग को ता प्ले करना है। तो मैंने आप लोग को ऑलरेडी बता दिया कि जो हमारा स्नेयर का साउंड है वही ता है। तो हम लोग को ये टोटल 12 बार प्ले करना है स्टार्टिंग में हम लोग को। तो इसमें हम लोग कैसे प्ले करेंगे, मेट्रोनोम के साथ प्ले करेंगे। इसमें हम लोग को 1, 2, 3, 4 ऐसे टाइमिंग मिलेगी। तो हम लोग को क्या करना है, वहां पे हम लोग को 1 में 3 बार था, 2 मतलब 1 को पकड़ के 1, 2, 3, 4 हम लोग को ऐसे टोटल 12 बार ता प्ले करना है। और जो हमारा फर्स्ट ता रहेगा सबसे पहला वाला, उसमें हम लोग साथ में ये वाला जो लेफ्ट हैंड है वो भी यूज करेंगे। तो स्टार्टिंग में जो ता है उसका थोड़ा वजन अच्छे से आएगा और एक उठान जो है वो अच्छे से सुनाई देगा। तो वो हम लोग ऐसे प्ले करना है। तो ये 12 बार हम लोग को टोटल ता प्ले करना है। उसके बाद हम लोग को धा प्ले करना है। तो धा कैसे प्ले करना है वो मैंने दिखाया था आप लोग को, था और जो बेस का साउंड है वो साथ में। तो बाद में हम लोग को धा प्ले करना है 12 टाइम, वो भी सेम 12 टाइम करना है। तो वो पूरा ऐसे होगा। तो ये आप लोग को समझ में आ गया रहेगा, और मेट्रोनोम के साथ आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो आप लोग को और समझ में आएगा। उसके बाद हम लोग का जो प्ले हुआ है ना वो धाधाता 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 धा, ये स्टॉप हुआ है। तो वो कैसे प्ले करेंगे, हम लोग को पहले 2 बार धा प्ले करना है और फिर हम लोग को हल्का सा पॉज लेके धा प्ले करना है। ऐसा हम लोग को 3 बार प्ले करना है और फिर मतलब टोटल 3 बार प्ले करना है। उसके बाद हम लोग को 4 जो धा है वो सिंगल पे स्टॉप हो जाना है। तो वो कैसे करना है, फिर धाका स्टॉप हो जाएगा, फिर 1, 2 ये जो 1 और 2 है वहां पर हम लोग को पूरा स्टॉप रहेगा। उसके बाद हम लोग को धाता धाता प्ले करना है। वो कैसे करना है, धाता धाता इस तरीके से करना है, फिर हमारा जो बीट है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं एक बार आप लोग को पूरा जो बीट है वो स्लो में प्ले करके दिखाता हूँ, और आप लोग को ऑलरेडी यहाँ पे लिख के आ गया रहेगा तो आप लोग नोट डाउन कर लेना। तो आप लोग को बाद में प्रैक्टिस के टाइम पे वो बोल के साथ अगर आप बोलते बोलते प्रैक्टिस करोगे तो और अच्छे से आप लोग का जल्दी रियाज हो जाएगा। तो एक बार मैं आप लोग को स्लो में प्ले करके दिखाता हूँ। 1, 2, 3, 4 आप लोग को पिकअप समझ में आ गया रहेगा। तो अभी पिकअप के बाद हम लोग जो हमारा मेन जो गरबा का बीट है वो सीखेंगे हम लोग कैसे प्ले करना है। तो वो भी आप लोग को यहाँ पे बोल दिख गए रहेंगे। तो बोल जो है वो है धिंता तिता तिकड़ता धिंता धिंता तिता तिकड़ता धिंता। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे ना, पूरा मैं आप लोग एक साथ नहीं थोड़ा स्टेप वाइज सिखाता हूँ, तो आप लोग को समझने में भी अच्छा रहेगा और आप इजीली सीख जाओगे। तो हम लोग इसको ना 3 पार्ट में करेंगे कन्वर्ट। तो पहला जो हमारा रहेगा ना वो धिंता तिता इतना रहेगा। तो वो कैसे प्ले करना है ना, स्टार्टिंग में हम लोग को धिन तो आपको पता है बेस के साथ जो हमारा घोष नोट है वो प्ले होगा, और फिर ता जो है वो हमारा स्नेयर का साउंड रहेगा। तो धिन ता ता, और तित में हम लोग का खाली घोष नोट रहेगा और फिर ता रहेगा। तो हम लोग का जो फर्स्ट पार्ट है वो इस तरीके से प्ले होगा, धिन ता ता धिन ता ता। उसके बाद जो हमारा सेकेंड पार्ट है ना वो है तिक्कड़ता तित्ता। तो वो कैसे करना है ना, सॉरी ताकिड़ता तित्ता है, ताकिड़ता धिनता है। तो हम लोग को जो सेकंड पार्ट है ना वो ताकिड़ता है। तो ताकिड़ता कैसे प्ले होगा, ताकिड़ता। तो ये थोड़ा सा हम लोग का ना फास्ट आना चाहिए। तो एक बार मैं आप लोग को स्लो में बताता हूँ। ता के टाइम पे हम लोग को स्नेर प्ले करना है, फिर ताकिड़ता आता है, किड़ता आता है। तो की और ट जो दोनों है वो घोष नोट प्ले होगा, और हमें याद रखना है कि हम लोग जो राइट हैंड से पहले जो ता बजाए थे ना उसके बाद हम लोग को की के लिए हम लोग को राइट हैंड ही यूज करना है। तो ये जो है ना थोड़ा फास्ट प्ले हो पाएगा। कैसे होगा वो भी मैं आप लोग को बताता हूँ। तो ता किड़ता ता किड़ता ता किड़ता ता किड़ता, और ये थोड़ा फास्ट प्ले करना है। तो ये कुछ इस तरीके से आना चाहिए, ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया। और इसी पे ज्यादा ध्यान देना क्योंकि पूरे जो बीट है ना उसमें यही एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, और बाकी के भी जो बीट है उसमें भी ये इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि ये इस तरीके का फील आना चाहिए साउंड में। तो इसकी प्रैक्टिस करना आप पहले, तो ज्यादातर इसी की प्रैक्टिस करना। एक बार ये क्लियर हो जाएगा ना फिर आप इजिली गरबा प्ले कर पाओगे। ता कीड़ ता, कुछ नहीं करना हम लोग को, ता के बाद की ट और
थोड़ा सा हल्का सा पॉलिंग ता प्ले करना है बस, इसको हम लोग को थोड़ा फास्ट प्ले करना है, इसी तरीके से रियाज करना। तो हमारा सेकंड पार्ट आप लोग को समझ में आ गया। हम लोग थर्ड पार्ट पे जाएंगे, वो है हम लोग का ताकि धीमता है। तो धीम कैसे प्ले करना आपको मालूम है, धीम और फिर ता प्ले करना है। तो हमारा जो थर्ड पार्ट है वो एकदम इजी है, धीम ता इतना है। अभी मैं आप लोग को तीनों पार्ट है ना वो एक साथ प्ले करके दिखाता हूँ, वो भी एकदम स्लो में पहले है ना। टिप भी देता हूं, अगर आप लोग को ता ये जो प्ले करना है उसमें स्टार्टिंग में ता का ये कर लेने में अगर प्रॉब्लम होती है तो आप लोग यहां से भी ले सकते हो। वो कैसे ले सकते, ताकिड़ता ऐसे भी आप लोग ले सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप लोग को यहीं पे कर लेना, आप लोग क जो है वो यहां पे भी ले सकते हो। तो वो कैसे होगा, ताकिड़ता खाली हम लोग को प्ले वैसे ही करना है, खाली हम लोग हैंड की मूवमेंट जो है वो खाली शिफ्ट कर रहे हैं, वो हमारे हैंड के ऊपर हम लोग को कहां से इजीली प्ले हो रहा है। आप लोग ने अगर देखा रहे हमें बीच बीच में हैंड की पोजीशन भी चेंज हो रही थी, उसी वजह से, क्योंकि अगर मैं कंफ्यूज होता तो मैं ऑन द स्पॉट हैंड की मूवमेंट जो वो चेंज कर देता हूं। तो हम लोग को जो बीट है ना वो खाली टाइम पे प्ले करनी है, हमारे हाथ जो वो इंपॉर्टेंट नहीं कि कौन से टाइम पे कौन सा हाथ पड़ रहा है, सिर्फ हम लोग को साउंड पे ध्यान रखना है कि जहां पे ता है वहां पे ता का ही साउंड आना चाहिए, जहां पे धा है वहां पे धा का ही साउंड आना चाहिए। आपके हिसाब से भी जो है वो हैंड चेंज कर सकते हो। तो मैं आप इससे आप लोग को जो सेकेंड टेक्निक थे वो भी दिखा देता हूँ। तो आप चाहो तो ताकिड़ता ऐसे भी कर सकते हो, अभी ताकिड़ता ऐसे भी प्ले कर सकते हो। दोनों का आप लोग दे मैं फास्ट में प्ले करके दिखाता हूं, ताकिड़ता जो है वो, तो आप लोग को समझ में आ जाए कि दोनों आखिर में जो साउंड वो सेम ही आ रहा है, ताकिड़ता ताकिड़ता। और अभी सेकंड ताकिड़ता ताकिड़ता, तो दोनों का साउंड सेम ही आ रहा है। तो ये आपके हाथ के ऊपर है कि आपका हाथ कहाँ पे जल्दी से इजीली प्ले हो रहा है, और आपके माइंड के ऊपर है। और बाकी आपको अगर एक बार सब साउंड के एकदम अच्छे से समझ आ जाएगी तो फिर आपको प्ले करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बस स्टार्टिंग में आप लोग थोड़ा रियाज पे ज्यादा ध्यान देना, स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होगा, बाद में जैसे आप रियाज करते जाओगे वैसे वैसे ऑटोमेटिक आपके जो हाथ भी अच्छे से मूवमेंट होंगे और आपको साउंड का भी अच्छे से नॉलेज आ जाएगा कि कहाँ पे धा है कहाँ पे ता है वो सब भी। तो अभी हम लोग हमारा जो सेकेंड बीट है वो सीखते हैं। पूरा जो बीट है ना वो सेम ही है, हम लोग को खाली जो लास्ट में हम लोग धीमता प्ले कर रहे थे ना उसकी जगह पे हम लोग को धीम धीम प्ले करना और कुछ नहीं प्ले करना है, दो बार धीम हो जाएगा। तो कैसे होगा वो, इसको भी मैं आपको एक बार पार्ट वाइज करके दिखाता हूं। तो वो कैसे, पहला जो पार्ट रहेगा वो हम लोग का वही रहेगा धीमता तीता, हम लोग का फर्स्ट पार्ट हो गया ता। फिर हम लोग का जो सेकंड पार्ट था वो सेम ही रहेगा ताकिड़ता 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 ताकिड़ता, या फिर ताकिड़ता। मैंने दोनों टेक्निक बता दिया वापस आप लोग को ताकिड़ता की, और बाद में जो हम लोग का थर्ड पार्ट रहेगा वो दिन दिन रहेगा, बस इतना ही रहेगा। तो अभी मैं एक बार आपको पूरा जो बीट है वो स्लो में प्ले करके दिखाता हूं। सेकेंड बीट समझ में आ जाएगा। अगर आप लोग को पहली बीट अगर आप लोग प्ले कर रहे हो ना तो सेकेंड बीट आप लोग जो सेकेंड वाली बीट है वो इजीली प्ले कर पाओगे, क्योंकि दोनों में कोई भी चेंजेस नहीं है, खाली एक ही चेंज है कि लास्ट में हम लोग जो दिन है वो एक्स्ट्रा प्ले कर रहे हैं, जहां पे हम लोग लास्ट में हम लोग जो ता प्ले कर रहे हैं उसकी जगह पे हम लोग दिन प्ले कर रहे थे, और कुछ वहां पे फर्क नहीं है। तो अभी हम लोग जो बढ़ते हमारे थर्ड बीट की तरफ,
उसमें क्या करना है ना हम लोग को जो बोल है उसके वो है धिनता धिनता तकिड़ता दिन दिन धिनता धिनता तकिड़ता तिन दिन धिनता धिनता तकिड़ता दिन 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 दिन धिनता धिनता तो मैं आप लोगों को पार्ट वाइज भी दिखाता हूँ। तो हमारा जो पहला पार्ट रहने वाला है वो होने वाला है हमारा दिनता दिनता। जो हमारा पहला वाला पार्ट है वो है दिनता दिनता। तो वो कैसे प्ले करना है आप लोगों को, दिन और ता आप लोगों को पता है कैसे प्ले करना है, दिनता दिनता। तो ये पहला पार्ट हो गया हम लोग का दिनता दिनता। फिर सेकेंड पार्ट हम लोग को जो प्ले करना है वो है तकिड़ता 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 या फिर फिर जो हम लोग का लास्ट पार्ट है वो ये वाला रहेगा राइट। तो वापिस से मैं आप लोगों को एक बार पूरा ये जो बीट है वो स्लो में प्ले करके दिखाता हूँ। आप लोग को थर्ड पार्ट भी थर्ड बीट भी समझ में आ गया रहेगा। अभी जो हम लोग का फोर्थ बीट है वो हम लोग कैसे प्ले करेंगे, उसके जो बोल है वो है धा 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 तकिड़ता दिन दिन धा 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 तकिड़ता दिन दिन। तो हम लोग को क्या करना है, सेकंड अगर मैं पार्ट वाइज आप लोग को समझाऊं तो सेकंड और थर्ड पार्ट हमारा सेम रहेगा। फर्स्ट पार्ट में हम लोग खाली चार बार जो है वो धा प्ले कर रहे धा 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 तकिड़ता। तो मैं आप लोग को एक बार स्लो में सिखाता हूँ, पहले पार्ट वाइज सिखाता हूँ आप लोग को। स्टार्टिंग में हम लोग को चार बार धा प्ले करना है धा 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 तो धा 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 धा। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। फिर सेकंड पार्ट तकिड़ता तकिड़ता। और फिर जो हमारा थर्ड पार्ट है वो दिन दिन है। तो वापिस से मैं आप लोग को एक बार स्लो पूरा बीट जो है स्लो में प्ले करके दिखाता हूँ। चारों बीट जो वो समझ में आ गई रहेगी। और ये जो भी मैंने बीट के बोल है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिए, और यहाँ पे तो आप लोग को दिख रहे थे तो वहां से भी नोट डाउन कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में से भी नोट डाउन कर सकते हो। और चाहे तो आप मेरा जो वीडियो है, मैंने ऑलरेडी कृष्ण जन्माष्टमी के दिन एक वीडियो बनाया था जिसमें ये गरबा के पैटर्न बजे हुए है, तो वो वीडियो भी आप लोग देख सकते हो रेफरेंस के लिए। या फिर आप लोग अगर यूट्यूब पर नॉर्मली अगर सर्च करोगे गरबा नॉनस्टॉप तो बहुत सारे आप लोग के सामने नॉनस्टॉप के आ जाएंगे। तो आप लोग अगर सुनोगे तो आप लोग को उसमें समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे कौन से बीट प्ले किए। तो आप लोग बाद में आराम से सब सुन के बाद में प्रैक्टिस करके आप लोग भी जो चाहे आपके जो भी फेवरेट सॉन्ग हो उस पर आप लोग प्ले कर सकते हो, क्योंकि गरबा में मोस्टली ये इसी तरीके के चार जो बीट है वो ज्यादातर चलते हैं। और भी बीट है वो मैं आप लोगों को बाद में सिखाऊंगा। तो अभी हम लोग ना जो फिलर सीखेंगे, जो फिलर जो मैंने पहले बजाया था वो फिलर कैसे था, वो एकदम इजी था। हम लोग को खाली दिन ता दिन ता दिन दिन ता। तो पहला जो फिलर था उसके बोल इसी तरीके से दिन ता दिन ता दिन दिन ता। तो वो कैसे, दिन आप लोग को पता है कैसे प्ले करना है, दिन फिर ता तो दिन ता दिन ता दिन दिन ता यही था। तो वापिस से मैं आप लोग को एक बार स्लो में दिखाता हूँ। दिन ता दिन ता दिन ता वन टू थ्री फोर वन टू थ्री फोर दिन ता दिन ता दिन ता। फिर हम लोग का वापिस जो है वो जो हमारा बीट है वो चालू हो जाएगा। वापिस एक बार मैं आप लोग को स्लो में प्ले करके दिखाता हूँ। दिन ता दिन ता को बाद में बीट कैसे प्ले करनी है वो भी दिखा दिया। जो हम लोग का सेकंड वाला फिलर था इसमें जो मैंने प्ले किया था
वो कुछ इस तरीके से था, उसके बोल है दिन ता दिन ता ता दिन दिन, तो उसके बोल जो है यहाँ पे आप लोग को दिख जाएंगे, तो आप लोग नोट डाउन कर लेना और इसी तरीके से बोलना आप लोग जैसे मैं बोल रहा हूँ, तो आप लोग को इजीली समझ में आ जाएगा। और प्रैक्टिस के टाइम पे भी आप लोग जब प्रैक्टिस करोगे तो बोल बोल के प्रैक्टिस करना, तो आप लोग के जो बीट है ना, फिलर है, बीट है, वो इजीली आप लोग के क्लियर हो जाएंगे और आप काउंट पे प्ले कर पाओगे। तो वापिस से मैं आप लोग को बता देता हूँ, वो है वो प्ले करना है दिन, फिर ता, फिर वापिस से दिन, तो दिन ता दिन, फिर हल्का सा थोड़ा सा गैप देके ता ता दिन दिन। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ तो सिर्फ ताता है वो खाली, हम लोग जो स्नेयर का पार्ट है वो भी ले सकते हैं या फिर दोनों हाथ से भी ले सकते हैं। अगर हम लोग को थोड़ा और अच्छे से मतलब फिलर में थोड़ा बोलते हैं ना पंच साउंड लाना है, तो हम लोग ताता ऐसे भी प्ले कर सकते हैं बाद में दिन दिन। तो वापिस से मैं आप लोग को एक बार स्लो में दिखाता हूँ, दिन ता दिन ता ता दिन दिन, वन टू थ्री फोर, दिन ता दिन ता ता दिन दिन, वन टू थ्री फोर, दिन ता दिन ता ता दिन दिन, वन टू थ्री फोर, दिन ता दिन ता ता दिन दिन, दिन ता 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 दिन दिन, दिन ता 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 दिन, आप लोगों को मैंने बीट के साथ भी दिखा दिया कैसे प्ले करना है। इसके बाद जो हमारा फिलर बजा है वो फिलर कुछ इस तरीके से धा ता 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 धा ता धा ता, तो हम लोग को क्या करना है स्टार्टिंग में धा प्ले करना है, तो धा के टाइम पे हम लोग घोष नोट प्ले नहीं करेंगे, स्नेयर का साउंड प्ले करेंगे धा, फिर हम लोग को टोटल पांच बार ता प्ले करना है धा, फिर ता 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 ता, तो जो हमारा ता रहेगा वो बाद में राइट हैंड पे रख सकते हैं हम लोग, तो कुछ इस तरीके से ता 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 ता। एक बार स्लो में आप लोग को दिखाता हूँ स्टार्टिंग का पॉइंट, धा ता 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 ता, तो स्टार्टिंग में धा, फिर पांच बार हम लोग को ता प्ले करना है, फिर सिंपल से हमारा दिन ता दिन ता, या तो आप दिन ता ले सकते हैं या फिर धा ता ता ता, आपको जो मतलब जैसा अगर आप लोग को साउंड सुनाई दे रहा है ऑडियो में, अगर आप कोई भी ऐसा ऑडियो सुन रहे जहाँ पे ये बीट बजी है, तो वहां पे अगर आप लोग को थोड़ा हल्का सा साउंड आ रहा है बेस के साथ में चाटी का, तो वो दिन होगा। अगर आप लोग को बेस के साथ चाटी का जो साउंड है वो थोड़ा अगर लाउड आ रहा है तो वो धा होगा। ये भी आप लोग को सुनोगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो ये भी एक छोटी सी टिप जो थी वो मैं आप लोग के साथ शेयर कर दे रहा हूँ। तो पूरा बीट जो है वो है धा ता 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 धा ता धा ता, वन टू थ्री फोर, धा ता 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 धा ता धा ता, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर, ता 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 दिन ता दिन ता 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 दिन ता दिन ता दिन ता 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 दिन 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 ता दिन ता 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 दिन दिन ता दिन ता 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 दिन दिन ता 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 दिन ता दिन ता 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 दिन 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 ता दिन ता 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 दिन 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 ता दिन ता। आप लोग को फिलर के साथ बाद में नेक्स्ट ग्रुप कैसे प्ले करते हैं वो भी दिखा, और लास्ट में मैंने ये जो प्ले किया था ये हमारी तियाई है, तो ये भी कैसे प्ले करने हम लोग को एकदम सिंपल ही है। हम लोग को क्या करना है धा धा ता धा धा ता धा धा ता धा, यही प्ले करना है हम लोग को तीन बार। हम लोग को टोटल धा धा ता धा धा ता धा धा ता ऐसे प्ले करना है, फिर लास्ट में धा प्ले करना है। ऑलरेडी अगर आप लोग ने देखा रहेगा तो जो स्टार्टिंग में मैंने आप लोग को पिकअप दिखाया था उसमें भी ये वाला पार्ट बजा था, 12 बार ता था, फिर 12 बार धा था, उसके बाद यही पार्ट बजा था और फिर स्टॉप होने का एक धाता धाता करके उठान आ रही थी छोटी सी, मतलब वो पूरा सा एक पिकअप था। तो उसमें जो लास्ट में जो हम लोग का तियाई था ना, उसको अगर हम लोग लास्ट में प्ले करेंगे ना तो वो हमारी तियाई हो जाएगी। तो वो कैसे प्ले करना है आप लोग को धा तो पता ही है, धा आप लोग को साथ में प्ले करना है स्नेयर का जो साउंड है वो और बेस, तो वो धा हो गया, और फिर ता तो पता आप लोग को स्नेयर का साउंड है ओनली, तो वो कैसे धा 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 धा। और जो हर बार है ना हम लोग को पहला जो धा धा ता बजाएंगे ना हम लोग धा धा धा, हल्का सा स्टॉप लेना, फिर धा धा अब स्टॉप,
तो हम लोग को क्या करना है, वन से शुरुआत करनी है। अगर मैं अगर आप लोगों को मेट्रोनोम के हिसाब से बताओ तो वन से स्टार्ट होगा और वन पे खत्म होगा, तो वो कैसा होगा, वन इस तरीके से हम लोग का स्टार्ट होगा, वन पे स्टार्ट वन पे एंड होगा। तो वापिस से मैं आप लोग एक बार स्लो में बताता हूँ, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर। मैं आप लोगों को बीट के साथ प्ले करके दिखाता हूँ एक बार। तो आप लोगों को सब समझ में आ गया रहेगा, मैंने कुछ इसमें आप लोगों को चार बीट सिखाई थी, तीन फिलर सिखाए थे, एक स्टार्टिंग का उठान बताया था और एक लास्ट में आप लोगों को तिहाई भी बताई थी। तो अगर आप लोग इतना अगर आप लोग प्रैक्टिस करते हो, रियाज करते हो, अगर आप लोग दिन का एक घंटा भी अगर ये रियाज करोगे ना, तो आप लोग का जो गरबा का बीट है वो काउन पे इजिली आप लोग का जो है ना वो प्ले हो जाएगा और आप लोग को भी बजाने को आ जाएगा। तो आप लोग भी बाद में कोई भी ऐसा सॉन्ग हो जिसपे ये बीट बजे हो तो वो भी आप लोग कवर सॉन्ग कर सकते हो, या फिर कहीं पे अगर आपके घर पे गरबा गा रहे कोई तो उसको बैकग्राउंड में अगर आप चाहे तो काउंट पे प्ले कर सकते हो, या फिर कहीं पे अगर आप शो पे हो ऐसी जगह पे जहाँ पे आपके पास काउंट है और वहाँ पे अगर आपको गरबा की डिमांड आए तो आप लोग गरबा भी प्ले कर सकते हो वहाँ पे। तो ये सारे मैंने आप लोग को जो गरबा के वेरिएशन थे वो भी बता दिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और हाँ मैं जल्दी आप लोगों के लिए और एक गरबा का जो पैटर्न है ना, जो कि बहुत कॉमन पैटर्न है जिसे तीन ताली कहा जाता है, उसके भी लेसन आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, तो आज के वीडियो में इतना ही। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके बता देना, और कोई भी डाउट है तो मैंने ऑलरेडी बताया था कि आप लोग मुझे इंस्टा पे भी डीएम कर सकते हो या फिर यहीं पे कमेंट कर दो आप लोग यूट्यूब पे, तो मैं आप लोगों के कमेंट में भी डाउट जो है वो क्लियर कर दूंगा। तो आपको मिलते हैं जल्दी हमारे नेक्स्ट गरबा ट्यूटोरियल वीडियो में, तब तक के लिए बाय और थैंक यू।